ये देखिए चिंपैंजी का उल्टा लटका हुआ है। जवाब दीजिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया नहीं हूँ एक्चुअली, तबीयत ख़राब हो रही है। जैसा पता था कल के व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं भीग गया था इंडिया गेट जब गया था, तो रात को थोड़ा फीवर आया था और अभी जो है बिल्कुल गला ख़राब है, जुकाम भी हो रखा है। जुकाम तो कल भी था लेकिन जब भीगने के कारण थोड़ा ज़्यादा हो गया। रात को जब मैं घर पहुंचा तो मैंने नहाया भी था ठंडे पानी से। आज मेडिसिन लाऊंगा, तो अभी जस्ट उठाऊँ और आज बहुत लेट उठाऊँ मैं, करीबन 9 बज चुके हैं। रात को 12 बजे करीब सोया था मैं। तो दोस्तों आज है डे 3 75 हार्ट चैलेंज का। पहले 2 दिन ठीक गए और तो चलिए अब नहाता हूँ। नहीं, नहाऊँगा नहीं, क्योंकि शाम को जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ बाहर आउटडोर, तो उसके बाद आके नहाता हूँ। तो चलिए हाथ मुँह धोता हूँ, कॉलगेट करता हूँ और करता हूँ नाश्ता। तो चलिए आपको मिलता हूँ सीधे नाश्ते में। तो दोस्तों ये है अभी मेरा ब्रेकफास्ट, जिसमें 2 रोटी और फली की सब्जी है और साथ में ही सैलेड है और 1 गिलास दूध है। तो चलिए ब्रेकफास्ट मैं करता हूँ और उसके बाद मिलूँगा आपसे थोड़ी देर बाद। हाँ तो दोस्तों ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है, अब मैं कर रहा हूँ एडिटिंग अपने लास्ट ब्लॉग की। तो दोस्तों देखिए म्यूज़िक चुन रहा हूँ ऑडियो लाइब्रेरी से। तो चलिए एडिटिंग करता हूँ और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ और पानी मुझे पीना है। अभी मैंने सिर्फ आधा बोतल पानी पिया है, आधा बोतल अभी बाकी है, तो 1 लीटर मेरा पानी अभी हो जाएगा। और टाइम हो रखा है दिन के 11 बजे। 12:30 बजे मेरा ब्लॉग आता है, तो जिन लोगों को पता नहीं है, जिन दोस्तों को पता नहीं है कि मेरा ब्लॉग कितने बजे आता है, तो हर रोज़ 12:30 बजे ब्लॉग आता है। हो सकता है बीच में कभी गैप हो जाए कुछ एमरजेंसी के कारण, लेकिन एटलीस्ट 75 डेज तक मैं रोज़ ब्लॉग डालूँगा। तो पूरी कोशिश करूँगा कि रोज़ ब्लॉग आए और चलिए देखते हैं कैसे जाता है। बस आपसे सपोर्ट की आशा करता हूँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए यूट्यूब से। तो चलिए दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों टाइम हो गया है दिन के 2 बजने वाले, तो चलिए मैं लंच करता हूँ और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगा। रेस्ट करने के बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे और चलेंगे वॉक पे। और हाँ दोस्तों वीडियो आ गई है, तो प्लीज़ देखिए वीडियो, अपना प्यार दिखाइए उसमें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं और मेरा इंडोर का जो वर्कआउट है वो पूरा हो चुका है। तो चलिए चलते हैं कहीं बाहर आउटडोर वर्कआउट करने, और अगेन जुकाम तो हो ही रहा है यार, तो चलिए चलते हैं। ये दोस्तों ये 3री बोतल ख़त्म है आज की, 2 बोतलें मैं ख़त्म कर चुका था और मैं जैसे 1 बोतल और ख़त्म कर ली जाए तो 3 बोतलें ख़त्म हो चुकी है पानी की और 1 बोतल बाकी है, तो वो हम जब वॉक करके आएंगे रात को तब मैं वो उसको ख़त्म करूँगा। तो गाइस चलिए चलते हैं वॉक करने। दोस्तों सेंट्रल पार्क हम पहुंच चुके हैं और गाड़ी पार्किंग लगा दी है, चलिए चलते। तो दोस्तों ये है सेंट्रल पार्क। आगे म्यूजिकल फाउंटेन है,
तो देखे अपनी फैमिली के साथ लोग बैठे हुए हैं और वीकेंड का मजा ले रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा भीड़ है पार्क में क्योंकि आज वीकेंड है और बादल से लग रही है दोबारा कल जैसा सीन ना हो जाए। तो दोस्तों आप ये झाड़ियाँ देख रहे हैं, ये झाड़ियाँ ना पहले बड़ी हुआ करती थी, बहुत बड़ी बस वगैरह यहाँ पे बैठा करते थे, अब ये झाड़ियाँ काट के छोटी कर दी है, बेचारों का सहारा छीन लिया। वैसे दोस्तों ये खंभा आप देख रहे हैं, ये पोल देख रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत बड़ा झंडा हुआ करता था, आज नहीं है यहाँ पर, पता नहीं आई डोंट नो कुछ रीज़न होगा कि ये झंडा निकाल दिया है। बाकी कौवे को देखो कैसे बैठा हुआ है। ये भी मज़े में है, पार्क में घूमने आया हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं अभी हूँ सेंट्रल पार्क जो कि है दिल्ली के कनॉट प्लेस में, जिसको दिल्ली का दिल भी कहा जाता है। तो अभी स्टेप्स काउंट जो हो चुका है वो 4500 करीब हो गया है और इतने ही स्टेप्स मुझे और करने हैं। रोज़ रोज़ यार एक ही वीडियो हो रही थी, एक ही जगह जाना थोड़ा बोरिंग हो जाता है, तो मैं सोचता था जो अपना आउटडोर वर्कआउट है तो उसको थोड़ा बाहर करें। और आधा घंटा करीब हो चुका है मुझे यहाँ पर, तो चलिए ऐसे ही वीडियो मैं आउटडोर वर्कआउट की थोड़ी बाहर करते रहूँगा आपके लिए, बने रहिए मेरे साथ। अगर मैं बात करूँ इस पार्क के टाइमिंग की तो ये पार्क जो है सुबह 11 बजे खुल जाता है और 11 से 12 बजे तक ये खुलता है सुबह, और शाम को 6:30 से 8 बजे के लिए पब्लिक के लिए खुलता है। यहाँ आप आ सकते हैं राजीव चौक मेट्रो लेकर और कनॉट प्लेस पे। जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वॉशरूम की और पानी पीने की यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है सोना बाबू वाले भी आ रखे हैं, मेरे बाबू ने खाना खाया और डॉगी भी है। ये देखिए बाबू के गोद में सोया हुआ है एक लड़का, डॉगी पता नहीं किसके पीछे भाग रहा है, भाई साहब बड़ी तेज़ भाग रहा है। तो तो दोस्तों कभी भी आपको न्यूज़ चैनल में आना हो और टीवी में आना हो तो आप यहाँ कपाली का बाजार आ जाओ भाई, दसो न्यूज़ वाले यहाँ पे आते हैं रिपोर्टिंग करते हैं। भैया पाकिस्तान मजबूत करा था, दोस्तों मैं तो वापसी आ गया, वहाँ पे लड़ रहे थे न्यूज़ चैनल में जो भी पार्टी वाले हैं।
तो बोर हो रहा था वापसी आ गया। तो दोस्तों कभी भी आपको ना न्यूज़ में आना हो या फिर अपना जो टीवी में आना हो तो आप यहाँ दिल्ली के कनॉट प्लेस आ जाइए, पालिका बाज़ार के पास। यहाँ पर दसों न्यूज़ चैनल वाले होते हैं इंटरव्यू करने। तो एक दूसरे एक पार्टी के थे, बीजेपी के थे, कोई केजरीवाल का था, कोई कांग्रेस का था, तीनों बहस कर रहे थे। तो मैं वापसी आ गया। तो दोस्तों देखिए कहाँ चढ़े हुए हैं ऊंचे में, पता नहीं यार, सारे छपरी ऐसे ही होते हैं भाई। ये देखो ये कोई गिरेगा ना हाथ पैर टूटेंगे इनके। तो दोस्तों हालत देख के बिल्कुल पसीना पसीना हो गया है और मेरा आज का वर्कआउट भी पूरा हो गया है और 8,500 स्टेप्स मैंने पूरे किए हैं। जो किलोमीटर आ रहे हैं वो 6 किलोमीटर आ रखा है अभी, नहीं 6.5 किलोमीटर करीब आ रखा है अभी जस्ट मैंने चेक किया। तो ये देखिए स्वेट हो गया पूरा। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ घर पर आपको और घर पर पहुँच के आपसे बात करता हूँ। उल्टा ये देखिए चिंपैंजी का उल्टा लटका हुआ है। तो दोस्तों मैं घर आ चुका हूँ, समय हो गया रात के 10। मैंने आकर एक बार मैंने नहाया था, उसके बाद मैंने भगवत गीता पढ़ी और साथ ही साथ मैंने आज की भी सेल्फी ले ली है। और उसके साथ साथ जो मेरा टास्क था 4 बोतलों का पानी की तो वो भी पूरा हो चुका है। और तबीयत का हाल बहुत ही नाजुक सूरत हाल है और जुखाम है, गला बिल्कुल बंद है, नाक बहरी है। और घर आके मैंने जो डिनर किया था उसमें मैंने 1 रोटी खाई थी, मम्मी ने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी तो मैंने भिंडी खाई, इसके साथ साथ 1 गिलास दूध पिया गरम-गरम ताकि मेरे गले में थोड़ा सेक लगे और थोड़ा सा मैं बेटर फील कर सकूं। तो चलिए दोस्तों मुझे आ रही है बड़ी तेज़ नींद क्योंकि पार्क में मैंने बहुत वॉक की है और जो मेरा ओवरऑल काउंट था वो 8,500 हो गया था स्टेप्स का, तो बहुत है आउटडोर के लिए। इंडोर एक्सरसाइज भी हुई थी। तो चलिए अब मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय नमस्ते।